नेक्स्ट वन इज ओशियन. वॉट इज ओशियन? लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड ओशियन. अर्थ की जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियंस. जैसे कि ये रिवर है, सीज है, पॉन्ड है, ये क्या है? ये स्मॉल वाटर बॉडीज हैं. लेकिन जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम ओशियंस कहते हैं. द फोर मेन ओशियंस ऑन द अर्थ आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन. नेक्स्ट वन इज मैप. वॉट इज मैप? मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप एक प्रकार की अर्थ की ड्राइंग होती है फ्लैट सरफेस पर. वो पेपर पर भी हो सकते हैं, वो चार्ट पेपर, वो वॉल पर भी हो सकते हैं, बुक्स में भी हो सकते हैं. और जो मैप्स की बुक्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटलस. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. मैप को हम इजीली अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शंस. आपने सेकेंड क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारी मेनली फोर डायरेक्शंस होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये हमें मैप में बहुत हेल्प करती हैं टू लोकेट द डायरेक्शंस. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस हमें मैप में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. डायरेक्शंस के बारे में बताती हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट किस डायरेक्शन में है. और मैप को फॉलो करके हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं. आवर लास्ट टॉपिक इज कंपास. व्हाट इज कंपास? अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इजीली डायरेक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं. और कंपास एक वॉच की तरह दिखाई देता है. इसके अंदर एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होती है, जिसका पॉइंट हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है. थैंक यू.